गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। हाई, आई एम प्रिया धनवेज तिवारी फ्रॉम बेस्ट इंग्लिश स्कूल एंड आवर चैनल एम इज स्टडी शो डॉट स्टॉप। राइट, टुडे वी आर गोइंग विद इंग्लिश फॉर अ स्टैंडर्ड सेकेंड यूनिट 3, चैप्टर नेम इज ए स्माइल। राइट, ए स्माइल, इसमें जो है एक पोयम है स्माइल के बारे में। ए स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग। स्माइल जो है क्या है, वो एक फनी थिंग है, यानी कि मज़ेदार चीज़ है। इट रिंकल्स अप योर फेस, इट रिंकल्स अप योर फेस, यानी कि वो आपके फेस पर क्या लाती है, रिंकल्स लाती है। एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड, यानी कि जब वो रिंकल्स चली जाती हैं, आपकी स्माइल चली जाती है, तो वो रिंकल्स भी क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, वो आपको फिर कभी वापस नहीं मिलती हैं। यानी कि जब तक आप स्माइल नहीं करोगे, तब तक वो रिंकल्स जो होते हैं, जो लाइंस होती हैं, वो आपके फेस पर आप कभी भी फाइंड नहीं कर पाओगे। राइट, इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस। वो पता नहीं कौन सी, आपके फेस पे ये कौन सा ऐसा प्लेस है, यानी कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर वो लाइंस जो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। बट फॉर मोर वंडरफुल इट इज़, बट एक चीज़ और भी मतलब बहुत ही आश्चर्य की बात है, टू सी वॉट स्माइल्स कैन डू। स्माइल एक क्या कर सकती है, यानी कि स्माइल में एक तो चीज़ ये है कि हम जब स्माइल करते हैं तो रिंकल्स आ जाती हैं। स्माइल जब हम बंद कर देते हैं, यानी कि जब हम नहीं मुस्कुराते हैं, तो हमारी जो फेस पर ही लाइंस गायब हो जाती हैं। यानी कि जब हम स्माइल करते हैं, तो वो रिंकल्स कहाँ से आती हैं, कहाँ गायब हो जाती हैं, ये एक सीक्रेट है। और एक स्माइल में ये भी एक आश्चर्य की बात होती है कि जो है यू स्माइल एट वन, यानी कि जब आप देखकर किसी को मुस्कुराते हो एंड ही स्माइल्स एट यू, वो क्या होता है, वो भी आपको देखकर मुस्कुराता है। देखिए इस जो ये जो आपकी पिक्चर है, इसमें देखिए जो गर्ल है वो स्माइल कर रही है, और उसको देखकर ये बॉय भी क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है। और इन दिस वे क्या हो गया, स्माइल जो है टू हो गई है, वन स्माइल ये एंड वन जो है वन प्लस हो गया, तो क्या हो गया, हमारी टू स्माइल हो गए, है ना। देखिए आप कहीं भी जाते भी हो ना बेटा, तो आप देखते हो कि जब आप किसी को देखकर स्माइल करते हो, तो वो आपको जो आंसर होता है वो स्माइल में ही देता है ना। आप किसी भी अननोन पर्सन को भी देख के आप स्माइल करोगे, तो ऑब्वियसली आपको जो है स्माइल करके ही आपको जो है आंसर देगा। राइट, तो ये हमारी पोयम जो थी, ये समरी क्या है कि जो है पोएट ऐसा कह रहा है कि जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे फेस पे लाइंस आ जाती हैं, फिर जब हम स्माइल लाइंस आ जाती हैं, ठीक है, वो कहाँ से आती है वो भी हमें नहीं पता, और जब हम स्माइल करना बंद कर देते हैं तो वो लाइंस पता नहीं कहाँ डिसअपियर हो जाती है हमारे फेस पे, हमें ये भी नहीं पता चलता है। और हम जब हम किसी को भी देखकर स्माइल करते हैं, तो वो हमें जो है क्या करेगा, स्माइल में ही हमें जवाब देगा ना। ऐसा तो नहीं कि वो आप पे गुस्सा करने लगेगा कि क्यों मुझे देखकर स्माइल कर रहे हो। राइट, और इस तरीके से क्या होता है, आपकी जो एक स्माइल से दो स्माइल बन जाती हैं। तो अगर आप इस पोयम को अच्छे से पढ़िए और इसका अगर आप जो है एक कंक्लूज़न ला सकते हैं, तो ऐसे भी ला सकते हैं कि हमें हमेशा सबको देख के मुस्कुराना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, ताकि जो है क्या होगा, जब हमारा जो मतलब हमारी तरफ का जो चारों तरफ का एटमॉस्फेयर होगा वो भी कैसा रहेगा, पीसफुल रहेगा, जॉयफुल रहेगा, और कैसा हो जाएगा, मस्त एकदम आपको क्या आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, कोई भी गुस्सा करने वाला इंसान नहीं होगा ना। और स्माइल तो एक ऐसी चीज़ है कि आपके फेस पर ग्लो भी लाती है ना। आप देखिएगा कभी भी कि जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, जो वो शॉर्ट टेम्पर होते हैं, उनको ज़रा ज़रा सी बात पे गुस्सा आ जाता है, उनका जो फेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है किससे, जो लोग हमेशा स्माइल करते रहते हैं, है ना। अब हम जो है इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स करते हैं। एंड नाउ वी विल डू द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। Smile. S M I L E. Smile. Smile means होता है मुस्कुराना. Second is wonderful. W O N D E R. Wonder. Wonderful. Wonderful means बहुत ही आश्चर्य की बात है, यानी कि बिल्कुल different. कि किसको देख के ना एकदम शॉकिंग हो जाते हो, तो इसमें wonderful यहाँ किसलिए आया है कि
कि स्माइल हमारी जब हम स्माइल करते हैं तो फेस पे रिंकल्स आ जाती है और फिर पता नहीं वो कहाँ गायब हो जाती है। और सेकंड थिंग इज दैट कि जब हम किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो ये भी आश्चर्य की बात है कि वो भी हमें मुस्कुरा कर ही जवाब देता है, है ना। थर्ड इज सीक्रेट, एस ई सी आर ई टी, सीक्रेट। सीक्रेट माने होता है रहस्य, यानी कि जिसको हम जल्दी फाइंड ही नहीं कर पा सकते, मतलब कर पाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीक्रेट। जैसे आप भी घर पे मोस्ट ऑफ यू वर्ड यूज करते होगा कि मम्मी प्लीज आप बताइए गली, ये हमारा क्या है, एक सीक्रेट, है ना। हाइडिंग, एच आई डी आई एन जी, हाइडिंग मीन्स होता है छिपना हुआ, छिपा हुआ, ठीक है। हाइडिंग मीन्स क्या होता है, छिपना या छिपा हुआ। एंड प्लेस, प्लेस मीन्स होता है जगह, पी एल ए सी ई, प्लेस मतलब होता है जगह का नाम, यानी कोई भी जगह, प्लेस यानी कि स्थान, इसको बोलते हैं स्थान या जगह, ठीक है। मोर, एम ओ आर ई, मोर, मोर मीन्स होता है ज्यादा, ठीक है। देखिए स्माइल, वंडरफुल, सीक्रेट, हाइडिंग, प्लेस, मोर एंड फनी। फनी भी आप लिख सकते हो, एफ यू डबल एन वाई, फनी। एंड एट नंबर इज थिंक, टी एच आई एन जी थिंक, ठीक है। तो ये हमारी पोएम के हार्ड वर्ड्स है, देयर आर टोटल 8 हार्ड वर्ड्स इन दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी, ओके। आपको क्या करना है, इसको जो मुझे हार्ड वर्ड्स लगे वो मैंने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग लिख दिए, ठीक है। अगर आपको कोई वर्ड ऐसा लगता है कि मुझे डिफिकल्ट पड़ रहा है तो आप वो लिख सकते हो, ओके। सो यू हैव टू लर्न एंड राइट, ओके। आपको इसको लर्न भी करना है, राइट भी करना है, लिखना भी इन योर नोटबुक, ओके। तो ये हमारे चैप्टर के हार्ड वर्ड्स थे। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, मैं आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, ठीक है। एक्सप्लेन भी करूंगी कि इस क्वेश्चन का हिंदी में मीनिंग क्या है, इसका इंग्लिश में हमें क्या आंसर लिखना है, ओके। देखिए जब आप क्वेश्चन आंसर लिखते हो बेटा, तो अगर आपका क्वेश्चन को आपको मीनिंग ही नहीं पता होगा तो उसका आंसर ही नहीं लिख पाओगे, ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे मतलब बच्चे हैं, ठीक है, तो वो जैसे कि मैं जो भी पढ़ती हूँ या जो भी पढ़ाती हूँ, ठीक है, मुझे भी आपके साथ पढ़ना पड़ता है ना, ठीक है। तो हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं आप उसको ऐसे ही पढ़ो, जैसे कि मैं जब स्पेलिंग लिखती हूँ एस एम आई एल ई, तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। आप भी मेरी तरह ही करो, आप जब ऐसे करोगे कि जैसे मैं लिख रही हूँ एस एम आई एल ई स्माइल लिखा, आप भी इसको एस एम आई एल ई स्माइल लिखोगे तो क्या होगा, आपको स्पेलिंग भी जल्दी लर्न हो जाएगी, है ना। जैसे मैंने लिखा वंडरफुल, डब्ल्यू ओ एन वाई D E R D F U L, full, wonderful, secret, S E C R E T, secret, hiding, H I D I N G, hiding, P L A C E, place, M O R E, more, F U double N Y, funny, and T H I N G, thing, ठीक है। तो ये हमारे हार्ड वर्ड्स हैं इस चैप्टर के, आप इनको लिख लीजिएगा, ओके। अगर आपको जो है हमारा वीडियो पसंद आया हो, मैंने जो इसे पोएम एक्सप्लेन की है, तो ऐसे इजी वे में करिए कि आपको अच्छी तरीके समझ में आई होगी, आई थिंक सो, बट आई एम नॉट श्योर, ओके। सो यू हैव टू जस्ट ओनली 3 थिंग्स, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ओके। आपको हमारे चैनल को, न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है, ओके।